नमस्कार दोस्तों, मेरे रानी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं 5 मिनट में फटाफट रायता, खीरे की रायता कैसे बनता है मैं बता रही हूँ। आइए उसमें क्या क्या सामान चाहिए देखिए। ऐसा हुआ खीरा, एक बड़ा कटोरी दही, आधा छोटा कटोरी दूध, एक छोटा चम्मच काला नमक और स्वादा अनुसार सादा नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक हरा मिर्चा बारीक कटा हुआ, भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, घिसे हुए खीरों को निचोड़ लूँगी अच्छी तरह, फिर इसमें डाल दूँगी। खीरे निचोड़ के इस पतीले में रख दी हूँ, निचोड़ा हुआ पानी में फेंकूँगी नहीं, इसको बच्चे को काला नमक डाल के पिला दूँगी, नहीं तो कम पड़ेगा तो इसमें डाल दूँगी। इसमें मतलब रायते में अगर कम पड़ा तो, नहीं कम पड़ा तो उस पानी को नहीं डालूँगी। दही को मिला दूँगी अच्छी तरह, फिर दूध डाल दूँगी, इसमें काले नमक को डाल दूंगी और ये नमक स्वादा अनुसार, मिर्चा डाल के अच्छी तरह मैं चला दूंगी। भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दूंगी, इसको अच्छी तरह चला दूंगी। लास्ट में धनिया पत्ता डाल दूंगा। डालने के बाद में मैं थोड़ा सा चला दूंगी। ये रेडी हो गया रायता, बनने के बाद ऐसा दिखेगा। रायता बहुत अच्छा साइड डिश है जिसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, सबके साथ खा सकते हैं और व्रत में भी खा सकते हैं। व्रत में ये नमक के बजाय आप सेना नमक डाल दीजिए। चलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। बाय।